एमआई अस्पताल और नगर निगम मिलकर गांधी प्रतिमा के पास स्थित प्रीतम लाल दुआ सभागृह परिसर में प्लाज्मा सेंटर आज से शुरू किया गया है, जिसके सेंटर प्रदर्शनी हॉल में शुरू करने की तैयारी है। मेडिकल संबंधी सारी तैयारियां अस्पताल प्रबंधन संभालेगा, जबकि बाकी का काम नगर निगम की टीम करेगी। आपको बता दें कि अभी कुछ लोग पहले एंटीबॉडी टेस्ट और फिर प्लाज्मा डोनेशन के लिए एमवाई हॉस्पिटल आने से कतराते हैं। इसकी एक वजह अस्पताल में कोरोना के मरीजों का इलाज होना भी है, दूसरी प्लाज्मा डोनेशन के बदले संबंधित व्यक्ति को कुछ मिल नहीं रहा। यही वजह है कि दुआ सभागृह में सर्व सुविधा युक्त प्लाज्मा सेंटर बनाया गया है। वहाँ तमाम प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्लाज्मा डोनेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इस महामारी में, इस कोरोना है अंदर जो प्लाज्मा दे रहे हैं, मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से उन सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं कि एक प्लाज्मा 3 व्यक्ति की जान बचाता है। ऐसे संकट में ऐसे लोग आ गए हैं, हमारे दो दो DSP आए हैं और कई वरिष्ठ लोग आए हैं, बाकी मैं उनका मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, इस समय जो डॉक्टर्स का ओपिनियन है इस प्रकार के इस वर्तमान वायरस का, उसमें प्लाज्मा को अगर थोड़ा अर्ली स्टेज पे दिया जाए, स्पेशली रेमडेसिविर स्टेज पे दिया जाए, तो उसमें लाभ मिल रहा है लोगों को। यह भी देखा गया है कि अगर लेटर स्टेज में प्लाज्मा देते हैं तो उसमें उतना लाभ नहीं मिल रहा है, पर अर्ली स्टेज में दिया जाए प्लाज्मा तो उसका लाभ मिलता है। ये प्लाज्मा डोनेशन कैंप के लिए हम लोग पिछले एक हफ्ते से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें जो लोग मरीज ठीक हुए थे उनके घर जाके एंटीबॉडी टेस्ट किया गया, और जो एंटीबॉडी टेस्ट में जो पॉजिटिव आए, जिनका लेवल था, उनको आज बुला के उनसे प्लाज्मा लिया जा रहा है। सर पहला ही है, इससे पहले भी कहीं? इसके पहले पिछले साल महू में मिलिट्री में कंटोनमेंट एरिया में किया था, सेकेंड वेव में हम ये पहली बात कर रहे हैं।